मैं बात कर ही रहा था कि धुंध नहीं पड़ रही, ठंड नहीं आई, और आज धुंध देखो, पहला दिन इतनी स्ट्रांग धुंध है आज। ये तो बहुत कम होगी, सुबह 8:30 बजे जब उठा था मैं तब तो ये बिल्डिंग भी नहीं दिख रही थी सामने वाली, इतनी ज़्यादा धुंध थी। सो यार मैं कर रहा हूँ अभी पानी गर्म, मैं पीऊँगा ब्लैक कॉफ़ी छोटे से कप में, मैं नींबू नहीं छोड़ूंगा आधा, और कंचन के लिए कर रहा हूँ मैं ग्रीन टी, सारा हेल्दी। और यहाँ लंच के लिए निकाल के रख दिए, बढ़िया सोयाबीन बनेगा आज, लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत ये करेंगे हम पहले डिटॉक्स वगैरह, उसके 1-2 घंटे बाद हम करेंगे ये। ब्लैक कॉफी लेमन निचोड़ के, ओके, जैसे मैं पहले पीता था, वेरी नाइस, पी के देखो गुड। ब्लैक कॉफी तो नहीं पीऊंगी मैं मैं तो ग्रीन टी पीऊंगी। ऑल्सो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो आज एक्चुअली दिन की शुरुआत इतनी कुछ ठीक नहीं रही, क्योंकि सुबह सुबह ना 8 बजे जब उठे तो कंचन का ना गला बहुत ज़्यादा पक चुका था, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था उसको गले में, और ये हुआ एक्चुअली इस वजह से मेरे को जितना लगता है कि ना कल रात को मैंने क्या ना रोटी वगैरह रात को नहीं खा रहा था, मैं सैलड वगैरह बना लेता हूँ अपना पनीर का, थोड़ा सा फ्राई वगैरह करके हल्का सा, तो उसमें उसके लिए मैंने कंचन को बोल दिया था कि हमने जो पिछली बार बनाई थी ना चटनी अपना, ये पुदीने में पुदीने धनिया और इसकी म्यूनिज डाल के मिंट म्यूनिज जिसको बोल रहे थे, तो वो मैंने बोले थे वो बना दो, मैं सॉस में डाल के वो खा लूँगा। तो एक्चुअली वो हमारा जो म्यूनिज है पूरा फ्रिज में पड़ा रहता है, तो उसने वही म्यूनिज वगैरह जब उसने यूज़ किया तो मेरे को लगता है उसने भी मेरे साथ पूरा ढंग से खाया वही सैलड, और उसके बाद खाने के बाद उसके गले में चिक चिक सी थोड़ी सी शुरू हो गई थी इरिटेशन सी, बट उसको लगा नहीं था कि ख़राब हो जाएगा, तो मुझे लगता है उसी की वजह से सुबह सुबह फिर गला पूरा पकड़ लिया उसका ठंडे चीज़ें की वजह से, और उस वजह से सुबह सुबह उठ के फिर दो भाग के मैं सुबह सुबह दवाई लेके आया उसके लिए मॉक्स, तो गले के लिए अभी, बट उसको आराम नहीं आया। और अभी तो मेरे ख्याल से मौसम इतना चेंज हो रहा है ना, फ्रिज वगैरह तो बिल्कुल ही डाउन कर दिए है कि ज़्यादा ठंडा ना हो, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मतलब इतने ठंडे होने की तो बाहर ही स्टोर कर रहा हूँ, बाकी तो बहुत परहेज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 दिन से ना इतनी धुंध और इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है ना, मतलब बहुत ज़्यादा ही हो गया टेम्परेचर, कल तो 10 डिग्री था यहाँ पे। तो देखते हैं अभी दवाई वगैरह दी है, अगर शाम तक आराम नहीं आता तो फिर बेटाडीन वगैरह लेके आएंगे गार्गल्स वगैरह करने के लिए। सो अभी जस्ट मार्केट से मैं लेके आया हूँ रेटस, सैलड बनाएंगे अभी, आधा किलो ले आया। सो यहाँ मैंने पनीर टमाटर और प्याज को तो मैंने जैसे चीज़ चिल्ली में आते उस हिसाब से काट लिया, उनको थोड़ा सा फ्राई करूँगा बिल्कुल कम तेल में, लेटस बस ऐसे काट के डाल दूँगा, उसको फ्राई करने की जरूरत नहीं, अदरवाइज तो ये पालक ही बन जाएगा पालक पनीर। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, इसमें कोई नमक मिर्च नहीं डालना है, इसमें से जाएगा सादा काली मिर्च, तब तक मैं लेटस धो के काट देता हूँ। इसमें ना मैं शिमला मिर्च डालना भूल गया था, तो मैंने ऊपर से थोड़ा सा डाल दिया, ये देखो ये पनीर में थोड़ा सा वो हो गया, बस थोड़ा शिमला मिर्च फ्राई हो गया, फिर इसको कर देंगे ब्राउन, पता नहीं इतना ही है यहाँ पे। यहाँ लेटस और खीरा मैंने अलग से काट लिया, इनको नहीं मैं फ्राई कर रहा, ये तो साग जैसे ही लग रहा है, फ्राई कर दूँगा तो साग ही लग रहा है, ऐसे ही साग ही बन जाएगा। सो ये यहाँ पर हो चुका है, इसको करते हैं बंद। यहाँ मैं ना थोड़ा सा ये ले आया था मसाला मिर्ची, इसको तो अरे अभी नहीं, पहले इसको डाल देते हैं इसमें, फिर पहले इसको उसमें डाल के फिर उसके ऊपर मसाला मैजिक थोड़ा सा डाल के उसके बाद मैं सॉस लेके आया हूँ, एक तो है सिराचा चिली गार्लिक सॉस और एक साउथ वेस्ट सॉस, ये सिर्फ थोड़ा थोड़ा टेस्ट के लिए है, ज़्यादा नहीं डालना, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा डालना है इसको,
तो सब भी वाला फील ले सकते हैं ताकि थोड़ा बहुत। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है अभी, सॉस मसाला और मतलब दोनों सॉस डाल के, बाकी अभी इसको मिक्स करेंगे और ये हो जाएगा रेडी। तो अपना सैलेड है फुल्ली रेडी, बस खाते हैं क्योंकि कंचन नहीं खाएगी, क्योंकि कंचन के गले में वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रखी है, इसलिए सॉस वगैरह तो सब बंद ही है, इसको सिर्फ मैं खाऊंगा अभी। अभी कैसा लग रहा है, कुछ फर्क लग रहा है? क्या फर्क लग रहा है? कुछ हाँ, मेडिसिन से हाँ, थोड़ा सा है, थोड़ा सा ही है हाँ। बीटाडीन चाहिए लेकर नहीं कुछ? हाँ, कुछ लेकर आनी है, गर्गल वगैरह करने के लिए बहुत। चलो क्या हुआ? क्या ग्रीन टी से और ज्यादा खराब तो नहीं हो जाएगा? ग्रीन टी से पता नहीं यार, ग्रीन देखो कुछ फर्क आ रहा, कोसा पानी करके पियो ज्यादा, कोसा पानी, कोसा पानी मुझे ठंडा थोड़ी ना पीना है, नहीं मौसम चेंज हो रहा है तो ठंडा ठंडा वो सब बंद करो सब कुछ। ओके। अब कल मैडम ने फ्रिज कम करने के चक्कर में कि फ्रिज वो ज्यादा कूलिंग ना करे, बिल्कुल ही बंद कर दी सारे फ्रिज का पानी। उसको नंबर 1 पे किया था तो वो बंद, नंबर 1 नहीं गया था, तुमने पूरा ही ऊपर तक घुमा दिया था, पूरी फ्रिज ही बंद हो गई, सुबह सुबह सारा डिफ्रोस्ट हो गया, पानी सारा बाहर ही निकल गया। ओहो, आई एम सॉरी। चलो सो अभी डिनर में कंचन के लिए बनाएंगे खिचड़ी, कंचन की रोटी, थोड़ा सा गरम करके बस सर्व करते हैं। सो एक्चुअली पहले तो डिनर में रोटी वगैरह का प्लान था, लेकिन फिर रोटी इसलिए नहीं बनाई क्योंकि गला ना कंचन का काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, वो अचानक से हो गया रात को, और पता तो सुबह चला, रात को चीख चीख होने लगी थी, तो फिर सुबह तो ब्रेड खा लिए थे, लेकिन वो जो चीज़ चबा के ज़्यादा अंदर निकालने में फिर वहाँ पे ना थोड़ा लगता है, इस करके फिर खिचड़ी बनाई ताकि स्मूथली खाई जाए, ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और दवाई वगैरह तो कंचन ने ली और बीटाडीन भी ले आए थे, उसके भी गरारे करें, तो देखो शायद आज रात तक फ़र्क आ जाए, अदरवाइज़ आज सुबह में उठा था सुबह आठ बजे उठते मैं गया दवाई लेने, कंचन भी उठ गई थी उसी टाइम पे कि उसका दर्द हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, फिर बिस्किट वगैरह कॉफ़ी वगैरह पीते, दवाई ली, मेडिसिन ली, उसके बाद थोड़ा बहुत फ़र्क आया होगा, लेकिन फिर से थोड़ा सा दुख ही रहे। तो देखो मेरे ख्याल से ना ये अभी इस टाइम पे ना मौसम इतना चेंज हो रहा है ना, तो एकदम से जो ठंड पड़ी है दो दिन से, तो उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा सेहत पर, सर दर्द, अभी जैसे गला, ठंडा पानी वगैरह नहीं पीना चाहिए, तो इन सब चीज़ का परहेज़ करना पड़ेगा अभी। सो गाइस इस व्लॉग को करते हैं आज ये पे खत्म, मौसम इतना ख़राब है कि बाहर भी नहीं जाया पा रहा हूँ कहीं, मतलब गेड़ी गुड़ी मारने भी नहीं जाया जा रहा कहीं मार्केट वगैरह भी, 12-1 बजे तक 1-1.5 बजे तक थोड़ी सी धूप निकलती है, आधा पौने घंटे में फिर से धुंध शुरू हो जाती है, और 5-6 बजे तक फिर अंधेरा हो जाता है। होपफुली कल अगर मौसम अच्छा रहा तो कल निकलेंगे बाहर, और मार्केट वगैरह जो हमारे काम रहे थे विंटर के कपड़े वगैरह लेने के, वो देखते हैं वो जाएंगे, थोड़ी शायद कंचन की तबीयत भी ठीक हो जाए। तो इस व्लॉग का करते हैं यहीं पे कदम, होपफुली आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए व्लॉग में, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।